सो हेदर गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फ्रेंड फ्रेंसी पोके स्टार। आज हम खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन यूनाइट बट ओनली घोस्ट टाइप पोकेमॉन चैलेंज, जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और मैं जा रहा हूँ जंगल गेंगार लेने के बाद। ये गेंगार एक स्पीडस्टर है और उसको जंगल ही चाहिए। और अगर आप गेंगार ले रहे हो तो जंगल ज़रूर जाना। और ये रहा बिल्ड आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और भाई ये बिल्ड के साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, अगर आप इस बिल्ड में चेंज करना चाहो तो आप शैल बैल की जगह बड़ी बैरियर लगा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट शैल बैल, क्योंकि मैं ड्रीम ईटर खेल रहा हूँ तो शैल बैल भी मतलब जो हमारी HP वो रिकवर करती है, तो ड्रीम ईटर भी हमारी HP रिकवर करेगा। मतलब दोनों एक साथ रिकवर करेगा तो काफ़ी अच्छी HP रिकवरी होगी। बट हाँ, अगर आपको बड़ी बैरियर यूज़ करना है तो बड़ी बैरियर भी यूज़ कर सकते हो। और जल्दी से मैं यहाँ जंगल लेके जल्दी से रोटेशन दे दूँगा। और ऊपर मेरे को बुला रहे शायद, तो जल्दी से यहाँ पे जंगल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे बफलेंट भी, और देखो मेरा ड्रीम ईटर भी आ चुका है। 5 लेवल पे ड्रीम ईटर आ जाता है। बट अभी मैं नीचे जाऊँगा क्योंकि ऊपर भाई उन लोगों ने संभाल लिया फिर। ओके भाई, नीचे बहुत गंदा मैच चल रहा है। नीचे उनका भाई जंगलर एब्जॉल आ गया है। ओ नाइस भाई, मेरा छूट ही गया था बट भाई वो खुद ही मार खाने आ गया। बाय, दोनों मर गए। और भाई ये भी मरेगा भाई, हेल्प कर दे थोड़ी। नाइस, बट इसने मेरा किल स्ट्रिक स्टील कर लिया, वरना मैं केओस स्ट्रिक 3 बन जाती है। बट कोई ना, जल्दी से ये बीज ले लेते हैं। ओके, बीज मिल गए और हम गोल करने चलते हैं फटाफट से। ओ भाई, इनका एब्जॉल आ गया। पीछे 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 पीछे, थोड़ा पीछे भाई। मैं को फाइट लेना नहीं चाहिए भाई, मैं गलत फंस गया। काश यहाँ पे मेरे पास फोकस होता। बट हाँ, फोकस इतने काम का नहीं है क्योंकि गेंगार ज़्यादा बीच में घुस जाता है तो फिर मर ही जाता है। तो बड़ी यूज़ करो या फिर शैल बैल यूज़ करो, इन दोनों में से कुछ एक यूज़ करो। ओके, जंगल वापस आ गया। और शायद किसी ने जंगल लेने की ट्राई की थी बट हाँ, उसने पूरा लिया नहीं। छोड़ो कोई ना, मेरे को तो जंगल पूरा मिल गया वापस। हैं, हुपा ने जंगल लेने का ट्राई किया था बट चलो कोई ना, नहीं लिया उसने। और जल्दी से यहाँ पे, जब तक इसका शेडो बॉल नहीं आता, नहीं थोड़ा सा वीक होता है। हाँ, वीक नहीं होता बट थोड़ा वीक होता है, क्योंकि एक बार शेडो बॉल होने के बाद भाई स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इन मतलब एक टाइप का अनबीटेबल। और भाई कोई एक बंदे को आगे आने दो, पहले स्लो करो फिर ये। भाई वाह, लगा ही नहीं, शाबाश, लगा ही नहीं उस बंदे को। ओके भाई, अब ड्रीम ईटर नहीं है मेरे पास। और बाय द वे, पहले आप शेडो बॉल चलाओ फिर ड्रीम ईटर चलाओ, क्योंकि जो ड्रीम ईटर है वो शेडो बॉल की जो कूल डाउन है वो रिड्यूस करता है। और यहाँ पे ओके, नाइस नाइस नाइस, एक और हिट भाई। कोई तो आ जाओ मेरे भाई, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, कोई आया ही नहीं भाई मेरी टीम में से, सिर्फ मैंने अकेले ने संभाला यहाँ पे। गोल कर जल्दी। ओके, जल्दी से यहाँ पे मैं अपने HP रिकवरी करता हूँ थोड़ी। और देखो शैल बैल है, इसकी वजह से थोड़ी HP रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो गई। ना शैल बैल नहीं होता तो ये थोड़े प्रॉब्लम होती। तो अब दोनों मतलब इन दोनों में से जो यूज़ करना, वरना वाइस ग्लासेस को हटा के भी बड़ी बैरियर यूज़ कर सकते हो, वरना फिर मतलब जो आपका डैमेज होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट हाँ, चॉइस पैक्स तो है ही ऑलरेडी आपके पास। ओके, जल्दी से फिर से रेडनो ले लेते हैं। और उनकी टीम से तो कोई आ नहीं रहा, और कोई भाई बैठा भी नहीं भाई ध्यान रखने के लिए। बट हाँ, फिर भी कोई आ नहीं आ रहा। और जल्दी से ऊपर चलते हैं। और ऊपर से हमारे पास हुपा है तो भाई ये कोई ट्रांसपोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और सबसे इजी चैलेंज कह सकते भाई, घोस्ट टाइप में इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, सारे टाइप के, ऑलराउंडर है, अटैकर है, अटैकर भी है, स्पीडस्टर है, सब है। और वाह भाई, बैटरी चली गई। जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ भाई 5% है, कभी भी बैटरी भाई चार्ज में डालना होगा। अभी जल्दी से गोल करता हूँ। ओके भाई, रोटम हाँ ले लिया हम लोगों ने, नाइस भाई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रोटम लिया या नहीं लिया, मैं तो ऐसे ही गोल करने आ गया फाइट करने। और 2 मिनट मैं यहाँ पे चार्ज पे लगा देता हूँ, भाई यहाँ पे अलग फाइट चल रही है, मैं चार्ज पे लगाने गया लिटरली। बट हाँ, अगर नहीं लगा तो भाई फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके भाई, इसको ही मार देता हूँ। और क्या भाई, मेरी अल्टी वेस्ट हो ही चुकी है ऐसे भी, किस काम की भाई मैंने अल्टी चलाई है, वेस्ट की है सरासर मैंने अल्टी को। बट कोई ना, चलता है इतना तो। और भाई आज अभी तो ये जो अभी तक की तो भाई एकदम बीस्ट मैच चल रही है। और यहाँ पे विनर्स और आया भाई, इसको ओ भाई ऊपर ने बहुत सही बचाया हमको भाई। बट कोई ना, और भाई मैं शायद मरूंगा भाई। और ये 40 अल्टी चले, मैं मरा। आखिर मैं इतने लंबे टाइमर के बाद वापस आ ही चुका हूँ। और वापस से जल्दी से ऊपर चलते हैं, शायद इन लोगों को मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो मैं ऊपर चलता हूँ फटाफट से। ओ भाई, मार ही दिया इन लोगों ने भाई मिलके। भाई डेसिड हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डैमेज देता है, तो मार ही देगी इजीली। और जल्दी से नीचे चलते, वी हैव अ ह्यूज लीड, अमेजिंग भाई। हमारी टीम काफ़ी बीस्ट खेल रही है। और यहाँ पे भाई हुपा का वेट कर रहा हूँ ताकि हम ड्रेडनो के लिए जा पाए। ओके, ड्रेडनो आ चुका है भाई, यहाँ पे उनका एब्जॉल है पक्का।
कहीं तो है उनका एब्जॉल, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके आई डोंट नो कहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इनका सिंड्रेस था। ओके मेरे को ड्रीम ईटर चलाना चाहिए था इसकी जगह। ओ भाई आ गया हाथ में इसका सिंड्रेस तो। और इनका एब्जॉल भाई डर के भाग गया भाई हम लोगों से। वाह भाई। अरे यार एक तो ये रिकवरी करने के लिए पता नहीं क्यों भागता रहता है कुत्ता कहीं का, बट जल्दी से ये ले लेते हैं। और देखो भाई शेल बेल से क्या कहते हैं ये कूल डाउन रिड्यूस भी होता है बाय द वे, अगर आपको ना पता हो तो शेल बेल इस चीज़ के लिए भी काम आती। तो आप वाइस ग्लासेस भी चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ओके ओ हाँ भाई अल्टियाओं पे अल्टिया चल गई भाई, पता नहीं किसने किसकी कौन सी अल्टी चलाई, आई डोंट नो एनीथिंग। ओके और यहाँ पे पुश करने जा रहे हैं हमारी टीम वापस से, और भाई तबाह कर दिया हमारी टीम ने। ओ एब्जॉल अच्छा खेल रहा है उनकी टीम का काफ़ी ज़्यादा। ओके मैं खुद जाके जानबूझ के आया हूँ क्योंकि ओ भाई उनके चालीदार ने फिर से अल्टी चला दी। ये चालीदार ने अल्टी कितनी बार चलाई यार, मैं शायद फिर मरूंगा, फिर मर गया। लो भाई फाइनली फिर से 15 सेकंड के टाइमर के बाद वापस आ चुका, और जल्दी से भाई नीचे जाता हूँ यार, गोल कर रहे हो बार बार। ओ पूरी टीम है यार उनकी भाई, लिटरली कितने अटैक मैंने मिस किए। ओ भाई एक तो मारेगा, एक तो मारेगा। अरे यार इसने मून ब्लास्ट चला दिया भाई, ये तो मारेगा। चलो एक को तो मारा भाई, शायद मैं इससे मर जाऊंगा, शायद मर गया। नाइस ओके हमारी टीम ने रोटम पुश का मतलब ले लिया, अब पुश करवाने की ट्राई कर रहे हैं, और मैं फार्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ाइट लेने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, मेन पे पुश करवाना इतना ईजी नहीं है, और सामने भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। और जल्दी से भाई इस चारिज़ार्ड को रोकने चाहता हूँ भाई, चारिज़ार्ड ने गोल फोड़ दिया भाई। और इस कुत भाई इस गार्डियोर को पहले मारो, गार्डियोर के लिए मैं पूरा भाई छोड़ दे मेरा पीछा आराम खोर भाई, फिर से मारा यार हमारी टीम ने तो भाई पुश भी करवा दिया था रोटम, और मैं यहाँ पे भाई दो तीन बार तो गाड़ी और इन लोगों से मर चुका हूँ लिटरली भाई, इन सबको मैं अब कच्चा खा जाऊँगा लिटरली, अब इतना गुस्सा आ गया है मेरे को। साले कुत्तों ने बहुत मारा है भाई, एक स्पेशली इस गाड़ी वाले, और जल्दी से ये ट्रिक भाई बड़ी काम आ गई भाई। वहाँ पे ये अलग फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं और यहाँ क्या कहते हैं ये डेसीडो अलग ही जैपडोस ले रहे भाई। जल्दी 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 ओके हमने ले लिया, और मैंने अच्छा सिक्योर भी कर लिया। ओ विंडोज और इनका आ रहा था, बट हाँ क्या करें, बट जब हमने ले लिया है ओके शायद उनके हाँ उनके टीम के दो बंदे ऑलरेडी मरे पड़े हैं, और मेरे को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, बट बाय बाय। इजैक बटन इसलिए मुझे बहुत पसंद है यार। ओ भाई वाह ये तो ऑलरेडी मर गया है भाई, जल्दी उधर जा वापस से। ओके साथ का गोल कर ही लेता हूँ, और शायद इसके पास अल्टी होनी चाहिए शायद तक, तो भाई मैं फिर से मरूंगा। नहीं नहीं प्लीज़ नहीं मरना यार, प्लीज़ नहीं मर गया। लो हमारे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ी लीड है, और भाई वो लोग गोल करने आ रहे हैं भाई, चारिज़ार्ड छोड़ूगा नहीं। वो सिंड्रेस को लग गया भाई, मुझे लगा मिस हो गया, बट हाँ पीछे से सिंड्रेस आके पता नहीं कहाँ से आके लग गया उस पर, बहुत बढ़िया। और चारिज़ार्ड नीचे घूम रहा है। ओके ओ एब्जॉल भी आ गया भाई। ओ लो भाई हमारे हुपा के पास यूनाइट भी आ गई है, और अब एब्जॉल कहाँ भागेगा, हट। अरे यार एक तो इसके अटैक बहुत मिस होते हैं, बट हाँ चलो गेम ओवर हो गया 100% हम ही जीते, कब की ह्यूज लीड दिखा रहे थे, और कितने गोल किए हमने, और कितना गंदे तरीके से हराया इन लोगों को। जल्दी से स्कोर दिखाओ यार, 600 का स्कोर वर्सेस 300 का, काफ़ी अच्छा खेले, और मैं MVP हूँ, काफ़ी बढ़िया भाई। और देखते भाई डैमेज कितना है, 65,000 का डैमेज है, काफ़ी अच्छा है। नाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन पे क्लिक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ ये मास्टर रैंक में रिकॉर्ड किया गया था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।